हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का कमेंट्स ये आया था अबाउट असाइनमेंट्स और आईएसए एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आईएसए एग्रीमेंट को देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का न्यू एडमिशन हुआ है, राइट, न्यू बैच के लिए। तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ लोग इजीली सारी चीज़ों को टैकल कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वही लोग चाहेंगे कि वो विड्रॉ करें, ठीक है। और विड्रॉ का जो भी प्रोसीड्योर है मैंने बताया है इससे पिछले वाले वीडियोज में, इससे पिछले नहीं, आप चेकआउट करना हाउ टू विड्रॉ ऐसे करके एक होगा, एक वीडियोस होगा, उसको आप चेकआउट करना। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको आईएसए एग्रीमेंट जो साइन करवाती है ना, उसकी जो हेड है इस डिपार्टमेंट की, उनका नंबर आपको मिलेगा। आप वहां जाके कॉल करना, बात करना उनसे, तो वो कुछ हेल्प कर सकती हैं जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें ना दो टाइप के लोग हैं जो ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही एक्सीडेंटली साइन कर लिया है, मतलब उनको कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, और जब वो साइन कर लिए तो उनको पता चला कि उसने ऐसे एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगा मेरे को कि ऐसे कैसे हो जा रहा है। जो लोग कॉल कर रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि ऐसे एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसे लोग विड्रॉ सबसे ज्यादा करवा रहे हैं कि उनको बताया नहीं गया ऐसे एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं और ऐसे एग्रीमेंट साइन हो गया। अरे सर, आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। आप पढ़ते नहीं हो क्या, पढ़ नहीं रहे हो क्या, क्या क्या चीजें लिखी हुई है, 10 पेज की है, 10 से 12 पेज की, आप पूरा पढ़ रहे हो। आपको नीचे में टिक कर रहा करवाना होता, बस ये साइन में बस ऐसे टिक चेकआउट चेकबॉक्स होता है, उसको चेकआउट करना होता है, ऐसे टिक करना होता है, ठीक है। तो बस ये बातें हैं। तो जो विड्रॉ करना चाहते हैं आप विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट वीडियो पे मत जाना, आपको जो कॉल किया है ना ऐसे एग्रीमेंट साइन करने के लिए, आप उनका जो नंबर है वो रख लो अपने पास, उन पे कॉल करो, ठीक है। तो वो लोग आपका जो प्रॉब्लम है उनको डायरेक्ट वो लोग एक्सेस करवाएंगे, किनसे, ये ऐसे टीम की जो हेड है, जो भी हेड है उनके पास भेजेंगे, और उनके रिकमेंडेशन से अगर आपका काम होता है तो जल्दी विड्रॉ हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपको 1 महीने तक भी रुकना पड़ सकता है विड्रॉ करवाने के लिए, ठीक है। तो जो आपको साइन करवाएं आप उसी को रिक्वेस्ट करो, कॉल करो, बार बार नहीं रिसीव करते फिर भी करो, ठीक है। उनको बोलो कि विड्रॉ करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताओ अपना और क्यों, मतलब विड्रॉ करना चाहते हैं, एक परफेक्ट रीजन बताओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर मन हो गया तो साइन कर लिए, मन हो गया तो विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे में तो वो करेंगे ही नहीं। एक परफेक्ट और वैलिड रीजन बताना कि क्यों आप विड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो ये तो हो गई आईसी एग्रीमेंट से रिलेटेड बातें। अब आते हैं असाइनमेंट्स। बहुत सारे लोग असाइनमेंट्स के पीछे हैं अभी और असाइनमेंट सॉल्व करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से। तो देखो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी, मीडियम, हार्ड लेवल के होते हैं, ठीक है। जो आपको मान लो कि आपको 5 क्वेश्चंस मिले, ठीक है, असाइनमेंट्स में, तो आपके बस एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक में कोई भी क्वेश्चन इजी होगा और बाकी सब डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहे हो ना, एक भी सॉल्व कर पा रहे हो, दो भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो अच्छी बात है, ठीक है। आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो इससे मतलब थोड़ा सा परेशान नहीं होना है कि मतलब मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या फिर पूरा का पूरा दिन लगा दे रहा हूँ फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने भी इजी लेवल के नहीं पूछते हैं वो लोग, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, सबको प्रॉब्लम होती है यार, हम लोगों ने भी फेस किया है ये सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जितनी हो सके आप लोग ट्राई करो कि असाइनमेंट्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व होता है तो एक ही सही है, पूरा दिन उसमें नहीं लगाना। जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया मेरे को जिसमें मेरे को कुछ लॉजिक नहीं पता चल रहा है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगाऊं, या फिर इसके कुछ अजीब से आउटपुट्स आ रहे हैं, या फिर बहुत सारा ट्राई कर लिया हमने इस क्वेश्चन पे,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोडिंग भी समझ में नहीं आ रही मैंने क्या लिखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको टाटा बाबा ही बोल देना है, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ही खा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी जगह पर जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर टाइम आप वेस्ट करते हो तो इसके सोल्यूशन आपको जल्दी नहीं मिलने वाले, राइट। आप जो क्वेश्चन में फंस गए न्यूटन स्कूल के असाइनमेंट्स में, आपको इसका क्या है सोल्यूशन लेने का मतलब तरीका क्या है, मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले डॉट पोर्टल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉट पोर्टल पे जाओ और डॉट पोर्टल पे जाने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको लिखनी है और उसमें बतानी है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और हो सकता है वो लोग तो इंस्टेंट रिप्लाई करते नहीं है, एक दिन दो दिन लगाएंगे रिप्लाई करने में, तो बहुत लेट से आपको पता चलेगा कि क्या इसमें कौन सा लॉजिक फिट करना था और कैसे कैसे होता। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आपको सॉल्व कर रहे हो तो अगर न्यूटन स्कूल के क्वेश्चन में फंस जा रहे हो ना, तो ट्राई करो कि इसको अवॉइड करें, ठीक है। आप क्या करो इसके जरिए, मतलब यहाँ पे आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं हो पा रहा है, तो इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो, ठीक है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन को सर्च करो, अगर मिल जा रही है सिमिलर क्वेश्चन तो वहां पे जाके आप उसका लॉजिक देख लो कि क्या क्या किया है इन्होंने, ठीक है। नहीं हो पाता वहां पे नहीं मिलता है तो आप गीक्स फॉर गीक्स सबसे बेस्ट है, ठीक है। पता नहीं ये सब लोगों को अच्छी नहीं लगती है वेबसाइट, कुछ कुछ लोग, आप लोग भी एक बार ट्राई करना समझने की। वहां पे जाना, उसके प्रैक्टिस वाले सेशन में जाना, ठीक है। प्रैक्टिस वाला जो टैब दिया वहां पे, जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे जाके आपको इजी मीडियम सेलेक्ट करके, ठीक है, इजी या फिर मीडियम, तो ये सेलेक्ट करो और इस टाइप के क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मीडियम वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वहां जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा, यहाँ प्रैक्टिस करने से ये फायदा होगा कि आपको इसी टाइम अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, आपने 30 मिनट 40 मिनट वेस्ट कर दिया आप इस क्वेश्चन पे, नहीं मिला कुछ भी आउटकम्स, तो आप क्या करना, यहाँ पे आपको क्या होगा एडिटोरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी जो लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं वो लोग कुछ अपना एडिटोरियल देते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया, आप उसको पढ़ करके आप भी अपना मतलब क्लियर कर सकते हो कि कैसे ये हो गया था, कैसे होना चाहिए था, सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसी में, ठीक है। तो आप इसको प्रिफर करो, एडिटोरियल या फिर सॉल्यूशन, कोई ऐसे करके टैब बना हुआ होगा उसमें जाके आप देखना। तो यहाँ क्या होगा ना, यहाँ जो आपका टाइम खत्म हुआ, मतलब जो भी टाइम आपने स्पेंड किया इस क्वेश्चन पे, तो उसका एक आउटकम्स आपको मिल गया, आपको सॉल्यूशन पता चल गया कि कैसे सॉल्व होगा। लेकिन न्यूटन स्कूल में अगर आप अटक जा रहे हो किसी क्वेश्चन में, आपने बहुत से बहुत 4 घंटे लगा दिए इस क्वेश्चन में, नहीं सॉल्व हो पाया, तो उसका क्या हुआ, तुरंत आपको इंस्टेंट कोई रिजल्ट नहीं मिला, आपको वेट करना पड़ेगा जबकि आपका डॉट क्लास लगाई जाएंगी, ठीक है। ये क्लास आपको दिया जाएगा डॉट क्लियरिंग क्लास, तो वहां जाके आपको पूछना पड़ेगा टीचरों से कि कैसे हो रहा है बताओ, तो वो लोग बताएंगे, बता भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होंगे बच्चों के, उसको सॉल्व करते करते टाइम निकल जाता है, एक दो क्वेश्चन कर पाते हैं पूरी क्लास में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां जाएगा आपको। तो ट्राई करोगे आप लोग की एडिटोरियल पढ़ा करो, ठीक है, जो भी एडिटोरियल आपको मिलता है उस एडिटोरियल को पढ़ा करो। एडिटोरियल पढ़ने से बहुत सारे फायदे होंगे, मैं इससे पहले भी बता रखा हूँ कि जो क्वेश्चन में आप अटकते हो ना, वो क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और आप उससे गो थ्रू करना, बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे लॉजिक आपके, अगर आप एक लॉजिक सोचे होगे ना, आप उसको पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक मिल जाए, क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करने का एक आइडिया आपको मिल जाए। तो एक क्वेश्चन को कम से कम दो तरीके से सॉल्व करना, इससे क्या होगा आपको ढेर सारे एक्सपोजर मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोचने की और सॉल्व करने की, ठीक है। ये आप ट्राई करना, जो मैं एक वे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस रहे हैं असाइनमेंट्स में, बहुत सारा कमेंट्स आया, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं मेरे को कि भाई मैं असाइनमेंट्स कर ही नहीं पा रहा हूँ, एक एक दिन निकाल दे रहा हूँ असाइनमेंट्स करने में, फिर भी नहीं हो पा रहे असाइनमेंट्स, क्या करूँ, उसके पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो न्यूटन स्कूल के असाइनमेंट्स में, फिर भी आपको कोई आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये काम किया करो, ठीक है। अब मतलब ऐसा नहीं कि न्यूटन स्कूल के असाइनमेंट्स करने ही नहीं है, उसके भी करो और साइड से ये करो, जैसे कि अब न्यूटन स्कूल के असाइनमेंट कर रहे हैं, आप किसी क्वेश्चन में जाके अटक गए हो, ये क्वेश्चन में कुछ लॉजिक नहीं काम कर रहे, हिट नहीं कर रहे, आपने 3 घंटे 4 घंटे लगा दिए, उसका छोड़ दो इस क्वेश्चन को, मत करो उसके बाद,
उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, या फिर हैकर रैंक पे चले जाओ, हैकर अर्थ पे चले जाओ, वहां जाओ, वहां सॉल्व करो, वहां भी तो ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वहां के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो वहां के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ एडिटोरियल और सॉल्यूशन का भी सेक्शन होता है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते ना, ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या हम मोबाइल से असाइनमेंट्स कर सकते हैं। देखो, मोबाइल से आप असाइनमेंट्स कर सकते हो, अगर आप मोबाइल टाइपर हो, मोबाइल अच्छे से टाइप कर लेके मोबाइल में कर सकते हो, लेकिन मोबाइल में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। कहोगे कि आपको कोई कोई कोड मिल गया, आप उसको कॉपी पेस्ट करना चाहोगे तो ये नहीं होगा। आप डेस्कटॉप वर्जन भी ऑन करना, सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप वर्जन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, अपने मोबाइल का डेस्कटॉप जो भी होता है सेटिंग्स, और ये 3 डॉट पे क्लिक करके आपको उसको करना है, उस मोड में जाना है, डेस्कटॉप मोड में जाना है। डेस्कटॉप मोड में जाने के बाद ही आपको सारा कुछ मिलेगा। ये किसी का शायद कोई एक लड़की ने मैसेज करा था, शायद क्वीन नाम से, उसने पूछा था कि सर मैं मोबाइल से कैसे कर सकती हूँ, कैसे रन बटन मिलेंगे, सारे कुछ मिलेंगे। तो आप क्या करना, सबसे पहले अपने फ़ोन को एक डेस्कटॉप मोड में डालना, उसके बाद आपको क्या होगा, एक इस राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, एक इस टाइप का एक एडिटर मिलेगा जहाँ पे आपको कोड लिखना है, और इसके राइट साइड में आपको एक रन और सबमिट का बटन मिलेगा। तो आपको रन करने से ये सब पूरा कंपाइल होगा, आउटपुट आप चेक कर सकती हैं, और ये सबमिट करने पे आपका कोड सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा ये डाउट, अगर क्लियर हो गया होगा तो नीचे कमेंट कर देना कि हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये रही असाइनमेंट कैसे सॉल्व करें और क्या क्या करें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, आगे जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आए थे मेरे पास, मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरा मॉक्स क्लियर हो गया है, उसने फर्स्ट जो इजी लेवल मॉक्स था DSA 1 का उसने क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद मीडियम भी उन्होंने क्लियर कर लिया। बहुत ही अच्छी बात है, लोग करते जा रहे हैं। तो देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ये क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि क्या इसको क्लियर करने से क्या होगा, नहीं भी करेंगे तो क्या होगा। तो ये बातें मैंने बता रखी है पिछले वीडियोज में, तो ये सारी बातें मैंने बता रखी है पिछले वीडियोज में, आप उसको जाके देख सकते हो पिछले वीडियोज को, तो आपका ये भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये आप अगर मॉक इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो ना, तो आपका जो रिज्यूमे बनेगा ना, रिज्यूमे एक मतलब एक हेल्दी रिज्यूमे बनेगा, उसमें सारा कुछ आपको मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपने DSA, आपको DSA की कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है, आपने कितने लेवल्स यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। तो ये क्या होगा ना, सिलेक्शन के टाइम में आपको एक अलग से एक एज डालेगा, आपके जो भी इंटरव्यूअर हैं वो जो रिज्यूमे आपके शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो अच्छी बात है ये कि आप क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्लियर करने का मन नहीं कर रहा, आप डर रहे हो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं होने का ये मतलब नहीं कि आपको जॉब नहीं लगेगी, ठीक है, जॉब लगेगी आपकी, लेकिन आपको क्या करना होगा ना, ये जो भी इजी मीडियम आपने अगर मान लो कि क्लियर नहीं करा है, इसमें से किसी को भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हो ना, बस क्या करो, धीरे धीरे आपको, लेकिन इतना नॉलेज होना चाहिए आपके पास DSA 1 का, राइट, कि आप कोई भी क्वेश्चन धीरे धीरे अगर ट्राई करो कि ये छोटा सा क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करो, धीरे धीरे आपको सेंस आ जाएगी DSA की क्या हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ पे कैसे कैसे कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको डिफिकल्टी जाएगी, ठीक है, तो बस धीरे धीरे आपको ट्राई करना है, करते जाना है, तो ये भी एक दिन क्लियर हो जाएगा आपका इजीली, और आप आसानी से इसमें क्लियर कर पाओगे किसी एक भी चीज को। चाहे आप DSA 1 क्लियर कर लोगे तो आप DSA 2 पे जाओगे, DSA 2 क्लियर कर लिए तो 3 और 4, तो यहाँ पे क्या होगा अगर मतलब ये मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ, ये मेरा मेन क्वेश्चन था। तो देखो, अगर क्लियर नहीं कर पाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब लगेगी, क्यों, क्योंकि जॉब हमारी कहाँ लग रही है, फ्रंट एंड में लग रही है। फ्रंट एंड में अगर जॉब लग रही है तो फ्रंट एंड में मेरे को DSA की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो DSA की कोई जरूरत नहीं है तो क्यों, मतलब क्यों, इसीलिए इसको आप अगर इग्नोर भी कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये बस आपका इंटरव्यू परस्पेक्टिव की वजह से है, आप अगर इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको DSA करना चाहिए, ठीक है।
अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो डीएससी की कोई जरूरत नहीं है, बट बहुत सारी कंपनीज में तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जैसे कि मैं फैंग की बात करूँ। हाँ, इस टाइप की जो कंपनी है, इसमें अगर आप जाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे डीएसए एकदम हैवी लेवल के डीएसए पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको डीएसए की सबसे स्ट्रांग समझ होनी चाहिए। ठीक है, नहीं हो पा रही है स्ट्रांग समझ नहीं है तो आप नहीं जा सकते इसमें। मैं हार्डली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप इस सारे कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, जैसे फेसबुक, अमेजोन, हाँ, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, तो इस टाइप की कंपनी को अगर आप अप्रोच कर रहे हो, इस टाइप की कंपनीज में अगर आप जाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, डीएससी अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप करो, ठीक है, छोटी मोटी कंपनी के लिए आपको इजी लेवल डीएससी अगर आपका क्लियर है तो चल जाएगा, कोई ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बस डीएससी का काम कहाँ होता है, बस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, उसके बाद डीएससी का कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आप ये करो कि जो भी आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो डीएससी कंपलसरी है, करो आप। और इसके लिए अगर आप कर रहे हो ना, सोच रहे हो टारगेट ये है ना, तो आप 100% डीएससी आप करो, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल का, और एकदम कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग तो आपको करनी ही है। ठीक है, तो जैसे आप डीएससी कर लेते हो तो आप इस समय अगर आप हो सको ना तो आपको बहुत मजा आएगा आगे चल के। ठीक है, तो मेरा बस यही था आज के वीडियोस में बताना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरीज इसी पेज से रिलेटेड था। ठीक है, नहीं करूँगा तो क्या होगा, अगर कर लिया तो क्या होगा। ठीक है, तो और आगे आने वाले वीडियोज, इससे जस्ट एक वीडियोज और आएगी, ठीक है, 2 दिन या 3 दिन के बाद, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपने मॉक इंटरव्यू में आपने यस ले लिया तो क्या हुआ, और मे भी लिया तो क्या हुआ, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोगों को मे भी मिल रहा है, तो क्या होगा आगे चल के इस मे भी का। ठीक है, इस पे चर्चा अपन करेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए टाटा बाबाई, मिलते हैं अगले वीडियोज में। ठीक है, तो अगर चैनल पे न्यू आए हो गए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं, चलिए अगले वीडियोज में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। और जो भी लोग न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं न्यूटन स्कूल में, और उनको अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी है, तो उसको क्या करो, ये वीडियोस, मेरी वीडियोस और मेरी चैनल्स, उसको रिकमेंड करो कि ये चैनल पे जाओ देख लो, बहुत ही ऐसी वीडियोज है, ऐसे ऐसे करके, तो लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और आपको खुशी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में।